मुस्कुरा रही हैं। आपका राज तिलक होने जा रहा है, क्या ये प्रसन्नता की बात नहीं है? किंतु सीत, ये राजपद ये सर्वथा आपके और मेरे प्रेम के मध्य आएगा। हो सकता है हमारी परीक्षा हमें आजीवन कठिनाइयों का सामना करना पड़े। पद का भेद उन मनुष्य के लिए होता है जिनका प्रेम सीमित होता है स्वयं, और जितना मैं आपको समझ पाई हूं, आपके प्रेम में तो सारा विश्व सम्मिलित है। बस मैं तो कुछ कह रही थी। आप पूर्ण कीजिए। मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, जिस मार्ग का भी आप चयन करेंगे, मुझे स्वयं से दूर ना करें। मेरे अस्तित्व का हर कण आपके समीप रहकर किसी भी पद को बिना भय बिना शंका पार कर सकता है। की पावन भूमि को हमारा प्रणाम। राम, एक राजा के लिए संकल्प रीत का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि संकल्प केवल तुम्हारी प्रजा तक, तुम्हारे पूर्वजों तक सीमित नहीं है पुत्र, बल्कि ये संकल्प तुम्हारी अपनी आत्मा, तुम्हारे अपने अंतर्मन के लिए भी है। रघुकुल के भावी नरेश को रघुकुल के रीत और परंपराओं के साथ साथ अपने इस महान कुल के गौरव की रक्षा का वचन भी देना होगा। ये संकल्प लेना होगा कि भविष्य में तुम्हारे किसी भी निर्णय से अथवा कार्य से अयोध्या राज्य अथवा उसकी प्रजा का तनिक भी अहित नहीं होगा। सीता, तो महान रघुवंश की भावी महारानी हो। राम का अयोध्या के प्रति जितना उत्तरदायित्व है, तुम्हारा उत्तरदायित्व उससे भी अधिक होगा। क्योंकि तुम्हें एक पत्नी और रानी होने का धर्म एक साथ निभाना होगा। राम, अपने हाथों में जल ग्रहण कर संकल्प करो। श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थ मम स कुटुंबस स परिवारस क्षेमस्थे कार्यु रोगेश्वर्य विवृद्ध्यर्थमादि भौतिकादि। दैविक आध्यात्मिक त्रिविधता पशमनार्थम धर्मार्थ काम मोक्ष फल प्राप्त्यर्थम नित्य कल्याण लाभाय भगवत प्रत्युर्थम देवस्य पूजनम करिष्ये। अयोध्या के राजा के रूप में
रघुकुल की परंपरा, रीति व वचनों के साथ अपने पूर्वजों के कुल गौरव की रक्षा का संकल्प लेता हूँ। अयोध्या के राजा के रूप में तन मन धन से सदैव अपनी प्रजा की सेवा में तत्पर रहने का संकल्प लेता हूँ। अयोध्या के राजा के रूप में राज्य में सुख शांति समृद्धि उन्नति व धर्म की स्थापना का संकल्प लेता हूँ। अयोध्या के राजा के रूप में यदि कभी मेरे किसी कृत्य से प्रजा में रोष उत्पन्न हो जाए तो उसे दूर करने का यथासंभव प्रयास करूंगा, ऐसा संकल्प लेता हूं। राम, अब तुम दोनों संकल्प जल को यहां अर्पण करो। राम, तुम्हारे माता पिता, पूर्वज, आदरणीय ऋषि और तुम्हारे प्रजाजनों के समक्ष संकल्प लेने की रीत अब संपूर्ण हुई। आज की रात्रि तुम दोनों को कुशा पर व्यतीत करनी होगी। प्रातः पुष्य नक्षत्र में तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। अब अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए श्रद्धा पूर्वक अपने कुलदेव को नमन करो। मुझे मंथरा, तुमने वचन दिया था कई कई, तुम मेरी बात मानोगी? वचन तो दिया है पर इतनी सारी तैयारियां करनी है मुझे, अभी कहां लेके आई हो ये? देखो देखो कई कई देखो, आज मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखाने ले आई हूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कहना क्या चाह रही हो। तुम अभागी नहीं पतिहीन भी हो कई कई, अपने विवेक पर आवरण डाल दिया है तुमने, और इसीलिए कई कई राम के राज तिलक को लेकर तुम कौशल्य से भी अधिक प्रसन्न दिखाई दे रही हो। प्रसन्न क्यों ना हो, मेरे राम का राज तिलक है और राम कौशल्या दीदी से अधिक मेरा पुत्र है, इसलिए मैं उनसे अधिक प्रसन्न हूँ। और ऐसे शुभ अवसर पर तुम इस तरह विलाप कर रही हो। विलाप ना करूं तो क्या करूं कई कई, क्या करूं? जबकि मैं देख रही हूँ तुम्हारा मान सम्मान छीनते हुए, देख रही हूँ मैं। तुम अंधी हो सकती हो कई कई, पर मैं नहीं। तुम देखना कई कई, राम का राज तिलक होते ही धूप में से मक्के की भांति निकाल कर फेंक दी जाओगी। तुम निश्चल हो कई कई, निस्वार्थी हो, कौशल्या से बहुत प्रेम करती हो, है ना? पर कभी सोचा है तुमने कौशल्या तुमसे प्रेम का ढोंग किस लिए करती है? सोचा है तुमने? मैं बताती हूँ, कौशल्या तुमसे प्रेम का ढोंग इसलिए करती है
ताकि राम के राज तिलक पे तुम कोई बाधा ना बनो, वरना मैंने उसकी नेत्रों में तुम्हारे लिए तब घृणा देखी थी जब महाराज दशरथ तुम्हें अपनी दूसरी पत्नी के रूप में यहाँ ले आए थे कैकेयी। और तब से कौशल्या इसी क्षण की प्रतीक्षा में है कैकेयी कि वो कब तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सके। और वो क्षण आ गया है कैकेयी, वो क्षण आ गया है। यहाँ कौशल्या राजमाता बनी और वहां तुम भवन के बाहर मिलोगी।